एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो सकते हैं और उनकी स्पिन अपोजिट ही क्यों होती है? नमस्ते, मेरा नाम अनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हाँ बेटा, ओके। पहले बताओ तो इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। फिर हम क्या पढ़ेंगे? डेरिवेशन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या इसको सिंपली बेटा पाउली प्रिंसिपल भी बोल देते हैं। तो बताओ, आपने नाम सुना कभी पाउली प्रिंसिपल का? क्या क्या होता है? कैसे ये कहता है भाई, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। हम ये बोलते हैं ना भाई, पाउली प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनके स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों भाई, उनकी स्पिन अपोजिट ही क्यों होनी चाहिए? समझे बात? ये तो क्या है इसकी डेफिनेशन, बात आपको पहले पड़ी भाई, लेकिन दिमाग में आता है कैसा होता क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्मीसोन्स, सॉरी फर्मियोन्स। क्या होते हैं? एक होते हैं बेटा फर्मियोन्स, एक होते हैं बोसोन। पता आपको इस चीज का? फर्मियोन्स क्या होते हैं बताओ? अगर किसी की स्पिन, अगर पार्टिकल्स की स्पिन क्या हो, हाफ इंटीग्रल, यानी 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, अगर ये स्पिन हो ना, तो बेटा ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं फर्मियोन्स। और एक होते हैं, अगर इनको बोलते हैं फर्मियोन्स। ठीक है, ये फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, आपने पढ़नी नहीं है लेकिन ध्यान रखो। दूसरा क्या होते हैं? अगर स्पिन क्या हो बेटा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? बोसोन्स। क्या बोलते हैं ये भाई? बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। बात आपको पहले पड़ गई। तो पाउली प्रिंसिपल ये होता है भाई कि अगर आप दो आइडेंटिकल फर्मियोन एक्सचेंज करें, अगर आप दो आइडेंटिकल फर्मियोन्स को एक्सचेंज करें, तो टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? टोटल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? एंटीसिमेट्रिक। फर्मियोन्स के लिए कैसा फंक्शन होता है? एंटीसिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? वैलिड। सिमेट्रिक फंक्शन है बेटा कोलेप्स कर जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई। सिमिलरली बोसॉन्स के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए होता है? सिमेट्रिक। बात आपको पहले पड़ गई। तो अगर हाफ इंटीग्रल स्पिन हो तो क्या कहलाते हैं? फर्मियोन्स। कैसा फंक्शन वैलिड होता है? एंटीसिमेट्रिक। अगर मान लिया बोसोन है, ऐसे स्पिन वाले हैं, तो कहलाते हैं बोसोन। और कैसा फंक्शन वैलिड होता है? सिमेट्रिक। आपको हो गए ये भाई, सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, समझे बात? तो पाउली प्रिंसिपल ये कहता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू आइडेंटिकल फर्मियोन्स, दो फर्मियोन्स के एक्सचेंज के लिए टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक हो, और दो बोसोन के, आइडेंटिकल बोसोन के एक्सचेंज के लिए टोटल वेव फंक्शन क्या हो? सिमेट्रिक। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। मान लिया मैं एक फंक्शन लिखू, मान लिया मेरे पास भाई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का फंक्शन आप मान लो बेटा 5-1। पहले इलेक्ट्रॉन का फंक्शन आप क्या मान लो? 5-1। ठीक है, और दूसरे का आप मान लो 5-2। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूं 5-1-1, 5-2-2 प्लस 5-1-2, 5-2-1। मैं एक फंक्शन लिखता हूं, ये बात आपको पहले पड़ी। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन का फंक्शन क्या मान लिया? 5-1। दूसरे क्या है? 5-2। तो 5-1-1 का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिटल में और दूसरा है दूसरे में। लेकिन इसका मतलब क्या है? दूसरा है बेटा पहले में और पहला है दूसरे में। बात आपको पहले पड़ गई। तो ये उनके लिए एक फंक्शन है। आप एक काम करो, आप यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर दो, तो ये साई है ना, तो साई एक्सचेंज क्या बनेगा? एक काम करो, 1-2 एक्सचेंज कर दो, तो 5-1 5-2 ऐसे ही रखो, लेकिन 1-2 क्या कर दो? एक्सचेंज। तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 5-1 5-2 लिखो, इनको बेटा एक्सचेंज करो,
बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे बात? तो आप ये बताओ यहां पर 511 522 क्या है प्लस का, यहां भी बेटा 511 522 क्या है प्लस का, यहां पर 512 521 टर्म क्या है प्लस की, यहां पर 512 521 टर्म क्या है प्लस की। तो ये जो फंक्शन है इन दोनों पार्टिकल्स को आपस में एक्सचेंज करने पर क्या ये फंक्शन बदला कि नहीं बदला? बदला बेटा, ये कहां बदला है? जो टर्म यहां पॉजिटिव है वो टर्म यहां पॉजिटिव है, सिर्फ पहले बाद में लिखी हुई है। ये तो बेटा एक फंक्शन है हमारे पास, यहां पर आपने दोनों पार्टिकल क्या कर दिए एक्सचेंज, तो इनको भी एक्सचेंज कर दो आपस में और इनको आपस में एक्सचेंज कर दो, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया ना। तो ये है साई, ये क्या साई एक्सचेंज्ड, नहीं आपको समझ में? तो यहां पर ये टर्म क्या है पॉजिटिव, यहां पर ये टर्म क्या है पॉजिटिव, जो टर्म यहां है वो टर्म यहां है, जो टर्म ये है वो ये टर्म ये रही, दोनों टर्म यहां पॉजिटिव है, दोनों टर्म क्या है पॉजिटिव। तुमने एक बात देखी कि यहां पर साई एक्सचेंज्ड किसके बराबर है, साई के बराबर है ना, बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको, तो हम क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ दीज टू पार्टिकल्स, इन दोनों पार्टिकल्स के एक्सचेंज के लिए ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है, साई फंक्शन। नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि यहां पर साई एक्सचेंज करने के बाद फंक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। अब मैं ये कहूं कि यहां पर नेगेटिव होता, मान लो बेटा आप यहां पर नेगेटिव होता, मान लिया फंक्शन आपका ये वाला फंक्शन होता आपका, समझ गए बात, मतलब यहां पर 511 522 माइनस 512 521 होता फंक्शन, तो अब यहां पर आप पार्टिकल्स को बेटा एक्सचेंज करियो, एक्सचेंज पार्टिकल्स एक्सचेंज, तो नेगेटिव तो रहेगा यहां पर, लेकिन आप देखो यहां बेटा 511 522 क्या है, यहां पर 511 522 क्या है नेगेटिव, यहां पर 512 521 क्या है, यहां पर 512 521 क्या है, यानी टर्म तो वही यहां पर, लेकिन नेगेटिव वाले फंक्शन में क्या है, जो टर्म यहां पॉजिटिव है वो टर्म यहां नेगेटिव है, और जो टर्म यहां नेगेटिव है वो टर्म यहां बताओ क्या है भाई पॉजिटिव है। बात आपको पहले पड़ी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होगी, यहां ये नेगेटिव टर्म क्या होगी यहां पर पॉजिटिव, तो मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन इसके बराबर हो जाए, तो मैं आप बेटा काम करो पहले फंक्शन का नेगेटिव कर दो, बोथ साइड नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया ना। अब बताओ 512 521 पॉजिटिव, 512 521 पॉजिटिव, 511 522 नेगेटिव, 511 522 नेगेटिव, तो यहां पर जो साई एक्सचेंज है वो साई के बराबर है कि नेगेटिव साई के बराबर है? तो अगर मान लिया बेटा साई एक्सचेंज साई के बराबर हो तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक, और अगर साई एक्सचेंज माइनस साई के बराबर तो क्या बोलेंगे एंटीसिमेट्रिक। बात आपको पहले पड़ी, तो फर्मियोन्स के लिए कैसा फंक्शन वैलिड होता है एंटीसिमेट्रिक, और बोसोन के लिए बेटा सिमेट्रिक। बात आपको पहले पड़ी, इस बात को ध्यान रखियो, ओके। बोसोन के लिए, अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब बताओ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिमेट्रिक के एंटीसिमेट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रॉन फर्मियोन है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है हाफ, तो फर्मियोन है कि बोसोन है, फर्मियोन, तो उनके लिए कैसा फंक्शन चाहिएगा हमको एंटीसिमेट्रिक। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, सिमेट्रिक फंक्शन है तो सिमेट्रिक फंक्शन आता है, लेकिन एंटीसिमेट्रिक फंक्शन भी क्या आता है सिमेट्रिक, लेकिन सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक या एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं एंटीसिमेट्रिक। जैसे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, वैसे हमारे पास क्या है ये वाला रिजल्ट आ गया बेटा आपको, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, और उनके स्पिन क्या होगी बताओ, अपोजिट स्पिन, ऐसा क्यों होता है भाई? एक काम करो आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझें, ठीक है। मान लिया एक रूम के अंदर क्या बोलते हैं, सीता और गीता हैं, आपने भी मूवी देखी वो सीता गीता बेटा, अंजू मंजू वाली मूवी, चालबाज, कोई बात नहीं, श्रीदेवी की एक पुरानी मूवी थी, उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी एक हेमा मालिनी की बेटा पुरानी मूवी थी, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की, भैया आपको याद होगा भाई, ठीक है, किसी बच्चे ने देखी हो तो वहाँ पर दो बहनें हैं जुड़वा, उनके नाम है सीता और गीता, ठीक है। तो ये मानो कि दोनों बहनें, उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सेम है,
उनका सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम ड्रेस है, सेम उनकी बॉडी लैंग्वेज है। ओके, तो आप ये बताओ कि इसमें सीता भी है और इसमें गीता भी है इस रूम के अंदर, और ये मानो भाई इनके ऊपर, ये मानो इस रूम के अंदर नहीं है, इन दोनों लड़कियों के ऊपर भाई जो गार्ड है वो नजर रख रहा है। ठीक है, तो मान लिया पहले एंट्री की सीता ने और बाद में एंट्री की गीता ने। ठीक है, ओके, तो अगर ये बता दिया जाए गार्ड को, मान लिया दो गार्ड हैं, दोनों को बता दिया जाए कि सीता कौन सी है और गीता कौन सी है, तो उनको ध्यान रहेगा ना कि पहले सीता ने एंट्री की है। मान लिया रूम में पहले एंट्री सीता ने की है, अब बेशक वो जुड़वा है, लेकिन अगर गार्ड ध्यान रखेगा कि भाई ये सीता है तो हमेशा उसका ध्यान तो सीता पे रहेगा, तो बची अपने आप क्या होगी, गीता होगी। तो कोई उनसे पूछेगा कि सीता कौन सी गीता कौन सी, तो हमेशा वो बिल्कुल सही आंसर प्रोवाइड करेंगे ना। लेकिन आप बेटा ये बताओ, अगर ये दोनों लड़कियां इस रूम के अंदर एंट्री करने के बाद ये गायब और प्रकट होने लगती हैं, जी तब से भाई जैसे भूत होते हैं एकदम से इंसान गायब हो जाता है चुप, और दूसरी जगह क्या होता है प्रकट, तो सिमिलरली सीता यहाँ से क्या हो जाए डिसअपियर और यहाँ पर अपियर, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, सिमिलरली गीता भी कर रही है। बात आपको पहले पड़ी, यानी सीता और गीता क्या कर रही हैं, अपियर एंड डिसअपियर इन दिस रूम। अब गार्ड को पता लगेगा ना कि सीता कौन सी और गीता कौन सी, बात आपको पहले पड़ी। ठीक है, मतलब ये आप इनको इलेक्ट्रॉन मान सकते हो, ये क्या है पहला इलेक्ट्रॉन, ये बताओ क्या है दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका फंक्शन फाई वन, इसका फंक्शन फाई टू। फंक्शन का मतलब है पहचानना, फंक्शन का मतलब क्या है पहचानना है यहाँ पर भाई, लेकिन फंक्शन मतलब पहला पहले ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में। सीता को सीता बोलने का मतलब क्या है कि पहला पहले ऑर्बिटल में दूसरा दूसरे ऑर्बिटल में, बात आपको पहले पड़ गई। ओके, तो अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप ये बताओ कि मान लिया, ध्यान रखो भाई वेव फंक्शन कैसा होता है, हमने आपको बताया था कि वेव फंक्शन क्वांटम स्टेट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा, कोई भी अधूरी पॉसिबिलिटी क्वांटम वेव फंक्शन बेटा नहीं बताएगा। ठीक है बात, तो आप ये बताओ अब अगर माने कोई आके पूछे उन गार्ड से कि सीता कौन सी और गीता कौन सी है, तो एक गार्ड तो क्या बोल सकता है, अब ये भाई क्योंकि अपीयर और डिसअपीयर हो रही है, उसे क्या पता जो अपीयर हुई कौन सी है, तो एक तो क्या पॉसिबिलिटी है बताओ कि गार्ड क्या बोले उनको, सीता को सीता बोल दे और गीता को, तो एक तो बेटा बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है फाइव वन वन फाइव टू टू, मतलब सीता को सीता बोला और गीता को गीता बोला। ठीक है बात, लेकिन एक बताओ पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो बेटा ये पॉसिबिलिटी की सीता को सीता और गीता को इसको बोल दो साई है, लेकिन भाई दूसरा गार्ड ही तो बोल सकता है कि ना इसको नहीं पता ये दूसरी सीता और ये क्या है गीता, वो उल्टे आंसर भी तो उनको भी वो मिसमैच भी तो कर सकता है, वो सीता को क्या बोल सकता है और गीता को क्या बोल सकता है, तो उस टाइम पे बेटा आंसर क्या होता बताओ फाइव वन टू और फाइव टू वन, ये तो क्या सीता को सीता गीता को गीता, यहां पर क्या है गीता को सीता और सीता को गीता बोल, उल्टा बोल दिया ना आंसर, नहीं समझे बात, तो ना तो ये अपने आप में आंसर कंप्लीट, तो दोनों आंसर आ सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो जो गार्ड है वो दोनों आंसर दे सकते हैं, वो ये आंसर भी दे सकते हैं और ये आंसर भी दे सकते हैं। तो टोटल वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए जिसमें दोनों आंसर शामिल हो जाएं, क्या बेटा टोटल वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए जिसमें दोनों आंसर होते हो, नहीं आपको समझ में, तो बताओ क्या हो हमारे पास, तो ना तो ये आंसर कंप्लीट ना ही अपने आप में ये आंसर कंप्लीट, क्योंकि इस आंसर के अलावा एक पॉसिबिलिटी बच जाती है, इस आंसर के अलावा भी एक पॉसिबिलिटी बच जाती है। तो कंप्लीट वेव फंक्शन ऐसे किस में कैसे आता है, इन दोनों क्या करो लीनियरली कंबाइन, क्या करो इनको, इनको आप ऐड कर दो, बताओ आपको पहले पड़ी, तो हमारे पास बताओ क्या आ जाएगा, तो मैं कहूंगा भाई हमारे पास एक तो आ जाएगा बताओ क्या, एक तो आएगा इनका एडिटिव कॉम्बिनेशन क्या आएगा फाइव वन वन फाइव टू टू प्लस फाइव वन टू फाइव टू वन, ये कुछ ऐसा है कि एक गार्ड ने मतलब साइमल्टेनियस आंसर दे दिया, एक गार्ड ने बोल दिया ये सीता ये गीता, दूसरे ने बोल दिया ना ये गीता और ये सीता, अब कोई इनको ही नहीं बोल सकता कि कल कोई नहीं बोल सकता तुमने भाई उनको मिस इन्फॉर्मेशन दिया। जैसे बेटा आप बताओ अगर मान लिया आपके पास भाई, अगर भाई आपके पास पेपर में चार ऑप्शन है, अगर आप चारों पे टिक मार्क कर देते हो, तो अगर टेक्निकली देखा जाए
तो आपका आंसर ठीक है। नहीं बेटा, आपको अगर आप चारों ऑप्शन टिक मार कर देते हो भाई, तो आपका आंसर तो पक्का ठीक है, मतलब कंप्लीट सारी पॉसिबिलिटी आ गई आपके आंसर के अंदर, तो सिमिलरली नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो इसमें क्या है, तो एक तो ये हो गया, और एक क्या होगा इनका सब्ट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन, क्या हो गया 511 522 और माइनस क्या हो जाएगा 512 521। समझे बात? तो ना तो ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट, ना ये अपने आप में ये पॉसिबिलिटी कंप्लीट। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को क्या करो, कंबाइन कर दो, सीता को सीता बोलना और गीता को गीता बोलना, और सीता को गीता, गीता को सीता, इन दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड कर दो, तो प्लस और क्या हो गया माइनस। ठीक है, तो उस रूम में रहने का तरीका, तो उन दोनों लड़कियों के एग्जिस्ट करने का तरीका ये फंक्शन बताएगा और ये भी बताएगा। अब ये बेटा क्या है, सिमेट्रिक, और ये भी क्या है सिमेट्रिक, ये दोनों ही क्या है बताओ, सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं है क्या, पक्की बात है, ये दोनों क्या है, सॉरी ये सिमेट्रिक, नीचे वाला क्या है एंटी सिमेट्रिक, सॉरी नीचे वाला क्या है भाई, तो हमको पता लग गया ऊपर वाला क्या सिमेट्रिक, नीचे वाला क्या एंटी सिमेट्रिक, लेकिन ये टोटल वेव फंक्शन ही है। अभी मानो जो दोनों लड़कियां हैं सीता और गीता, वो उस रूम के अंदर जब अपीयर और डिसअपीयर होती है ना, तो ये तो है भाई उनकी ऑर्बिटल मोशन, क्या इनकी है ऑर्बिटल में रहने का तरीका, लेकिन वही ऑर्बिटल में रहने के साथ साथ वो स्पिन भी कर रही हैं, तो आप ये मानो सीता भी घूमने लग रही है और गीता भी स्पिन कर रही है, तो उनकी स्पिन करने की चार पॉसिबिलिटी हैं। एक तो अगर दोनों क्लॉकवाइज स्पिन करती हो तो क्या होगा बताओ, अगर ये बताओ भाई, अगर दोनों क्या करती हो क्लॉकवाइज स्पिन, यानी कि क्लॉकवाइज को बोलता हूँ अल्फा और एंटी क्लॉकवाइज को बोलूंगा बीटा, तो अगर दोनों क्या कर रही हैं क्लॉकवाइज स्पिन कर रही हैं, तो भाई एक आंसर तो क्या हो जाएगा, तो कोई पहले गार्ड से पूछे कि ये सीता कैसे स्पिन कर रही और गीता कैसे, तो पहला गार्ड क्या बोलेगा कि सीता क्लॉकवाइज गीता क्लॉकवाइज, तो अल्फा वन अल्फा टू ये है उनकी स्पिन मोशन। अब दूसरा गार्ड बेटा इसको उल्टा बोल दे तो क्या उसका आंसर अलग होएगा, अगर दोनों क्लॉकवाइज घूम रही हैं और एक गार्ड भैया बोले कि सीता क्लॉकवाइज गीता क्लॉकवाइज, दूसरा बोले ना तुझे क्या पता गीता क्लॉकवाइज सीता क्लॉकवाइज, वो तो सेम बात होगी नहीं आपको समझ, पहला बोले सीता क्लॉकवाइज गीता क्लॉकवाइज, दूसरा बोले ना गीता क्लॉकवाइज सीता क्लॉकवाइज, ये तो वही बात होगी, वो एक बार तो बह रहे थे भाई, ठीक है, तो एक बोला कि भाई भादरगढ़ जा है, दूसरा बोला ना रहे एक बार भादरगढ़ तो जाऊँ था, तो फिर पहला बोला बोला अच्छा मन सोची भादरगढ़ जा है, बात आपको पहले पड़ी, उनका आंसर क्या बिल्कुल भाई सेम है, बात आपको पहले पड़ी, तो अल्फा वन अल्फा टू नहीं आपको ओके, तो यहां बेटा दोनों पॉसिबिलिटी क्या होंगी अल्फा वन अल्फा टू या अल्फा टू अल्फा वन, बात तो एक ही है, तो दोनों दोनों पॉसिबिलिटी सेम हो तो उनको लीनियरली कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो एक तो आ गया हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे स्पिन फंक्शन, क्या बोलेंगे इसको, ये कि हमारे पास क्या पहला स्पिन फंक्शन है। अच्छा अगर दोनों कैसे घूम रही होती एंटी क्लॉकवाइज, तो एक आंसर क्या होता सीता एंटी क्लॉकवाइज गीता एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी क्या होता यही होता ना भाई, तब क्या होता हमारे पास बीटा वन बीटा टू, तब हमारे पास ये होता इजंट इट, नहीं बेटा कोई, तो ये बताओ क्या हमारे पास ये क्या है पहला स्पिन फंक्शन, अब क्या दूसरा स्पिन फंक्शन क्या है हमारे पास बताओ, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया, अरे भाई पहला तो ये हो गया, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों कैसे घूम, अगर दोनों क्लॉकवाइज घूमती होंगी तो स्पिन फंक्शन क्या होगा बेटा ये वाला, नहीं आपको अगर दोनों कैसे घूमती होंगी एंटी क्लॉकवाइज तो स्पिन फंक्शन क्या होगा ये वाला, लेकिन अगर एक घूमती हो क्लॉकवाइज और एक क्या घूमती हो एंटी क्लॉकवाइज, तब आंसर आपका उल्टा हो सकता है। अब पहला गार्ड क्या बोले कि जो क्लॉकवाइज घूम रही है वो सीता है और गीता घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अल्फा वन बीटा टू, मतलब क्या बोले सीता क्लॉकवाइज गीता एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा बोले गार्ड बोले ना इसको नहीं पता जो ये क्लॉकवाइज घूम रही है ये तो है गीता और जो ये एंटी घूम रही है कौन है सीता, यानी अल्फा वन बीटा टू एंड अल्फा टू, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी बेटा सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है ना,
इसमें सीता घूमती है क्लॉकवाइज, इसमें सीता घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों पॉजिटिव डिफरेंट हैं, तो ओवरऑल फंक्शन कैसे बनेगा, स्पिन फंक्शन, दोनों कोलिनियरली कंबाइन कर दो, नहीं आपको तो एक तुम्हारे पास इनको ऐड करो, क्या करो इनको सब्ट्रैक्ट, तो पहला स्पिन फंक्शन तो क्या हो गया, पहला हो गया अल्फा वन अल्फा टू, दूसरा क्या था हमारे पास अल्फा बीटा वन, दूसरा क्या था बीटा वन बीटा टू, अब तीसरा बेटा स्पिन फंक्शन तो क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन प्लस वाला अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन, और चौथा बेटा क्या होगा अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, नहीं यार आपको, तुम क्या बोलेंगे, तो भाई सीता और गीता के स्पेस में रहने के तरीके को बताएंगे दो फंक्शन, ये वाला और ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है, और भाई सीता और गीता के स्पिन करने के तरीकों को बता सकते हैं, सीता और गीता के स्पिन करने के तरीकों को चार फंक्शन से डिस्क्राइब किया जा सकता है, दोनों क्लॉकवाइज घूमे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एक क्लॉकवाइज घूमे और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसके लिए ये भी है और उसके लिए ये भी है, आगे आपको, अब आप मुझे बताओ इनमें सिमेट्रिक कौन सा है, ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला सिमेट्रिक, और ये वाला क्या है एंटी सिमेट्रिक, बोले बेटा आपको, तो ये चार तो क्या बेटा, तुम क्या बोलेंगे, तो सीता और गीता के स्पेस में रहने के तरीके को बताएंगे दो फंक्शन, सीता और गीता के स्पिन करने के तरीके को बताएंगे चार फंक्शन, आगे आपको, अब आप ये बताओ मुझे इनके आगे चार फंक्शन के आगे दो फंक्शन, ठीक है, तो बेटा आप ये बताओगे कि इनमें टोटल वेव फंक्शन कैसे बनता, पता आपको, स्पेस फंक्शन इंटू स्पिन फंक्शन, मतलब भाई सीता और गीता के रहने का तरीका भी और उनके टोटल फंक्शन क्या होता है, जो रहने का स्पेस में रहने का तरीका ही बताए और ऑर्बिटल में रहने का तरीका बताए और घूमने का तरीका भी बताए, तो कैसे है हमारे पास टोटल फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, तो बेटा इस फंक्शन को ये क्या है पहला स्पेस फंक्शन, तो इस स्पेस फंक्शन को आप इससे मल्टीप्लाई करो तो एक टोटल फंक्शन, इससे मल्टीप्लाई करो दूसरा टोटल फंक्शन, इससे तीसरा, इससे चौथा, तो चार टोटल फंक्शन तो कैसे बन जाएंगे, दिस स्पेस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई दिस स्पिन फंक्शन, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन, दिस फंक्शन, नहीं आपको, तो चार तो वही हो गए हमारे पास टोटल फंक्शन, और चार कौन से हो जाएंगे बताओ बेटा, इस वाले फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, इससे, इससे और इससे, ठीक है, तो हमारे पास तो क्या जाएंगे बताओ, आठ, तो हमारे पास टोटल आठ पॉसिबिलिटी है, टोटल भाई आठ पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने आपको बताया था यहां पर बात किसकी चल रही है, सीता और गीता यहां पर रिप्रेजेंट किसे करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फर्मियोन्स, और फर्मियोन्स के लिए भाई कैसे फंक्शन एक्सेप्टेबल होते हैं एंटीसिमेट्रिक, कैसे फंक्शन एक्सेप्टेबल होते हैं एंटीसिमेट्रिक फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है सिमेट्रिक, तो आप बताओ दिस फंक्शन, तो अगर आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, बताओ भाई इसको इससे, इससे और इससे, तो आएगा हमारे पास क्या, नहीं बेटा सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या आएगा, सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या आएगा, सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक क्या आएगा, चलो मैं इनको बोल देता हूं साई प्लस साई माइनस, इनको मैं क्या बोलता हूं, और इनको बोलता हूं मैं, इनको मैं बोलता हूं चलो भाई साई प्लस साई माइनस था कि नहीं आपको, और इनको हम बोल देते हैं साई, चलो इनको हम बोल देते हैं स्पिन फंक्शन है ना, इनको हम बोल देते हैं साई एस वन साई एस टू साई एस थ्री साई एस फोर, ठीक है, तो बताओ हमारे पास आठ फंक्शन कौन से आएंगे बताओ, एक तो हमारे पास आएगा साई वन, तो क्या है मेरे पास साई प्लस साई एस वन की मल्टीप्लाई, साई प्लस इंटू साई एस वन, फिर साई टू क्या आएगा बताओ साई प्लस इंटू साई एस टू की, टोटल साई थ्री कैसे आएगा साई प्लस साई थ्री, लेकिन आप ये बताओ ये बेटा सिमेट्रिक है साई प्लस, तो सिमेट्रिक इंटू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक, तो ये साई वन साई टू साई थ्री तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा फंक्शन होना चाहिए एंटी सिमेट्रिक, तो टोटल फंक्शन कैसा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे,
और इसकी मल्टीप्लाई इस तीसरे फंक्शन से, क्या देती है रिजल्ट? सिमेट्रिक। तो वैलिड नहीं है। अच्छा बताओ, लेकिन बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे क्या देगी बताओ? क्या इसकी मल्टीप्लाई साई प्लस की मल्टीप्लाई इस चौथे फंक्शन से क्या देगी? एंटीसिमेट्रिक। बात आपको पहले पढ़ रही है? नहीं आपको? तो साई फोर क्या आएगा हमारे पास बताओ? साई प्लस इंटू साई एस फोर नहीं आएगा, साई एस फोर। अरे बोलो ये बताओ क्या आएगी मेरे पास मल्टीप्लाई? तो एक्सेप्टेबल है ये? तो इसकी मल्टीप्लाई किससे एक्सेप्टेबल? सिर्फ इससे मल्टीप्लाई, इससे एक्सेप्टेबल है। नहीं आपको सुन? अच्छा तो साई माइनस की बताओ क्या है? दिस इंटू दिस ठीक है, दिस इंटू दिस ठीक है, दिस इंटू दिस ठीक है, लेकिन दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा बताओ? साई माइनस क्या बेटा? एंटीसिमेट्रिक। और साई एस फोर भी क्या है? तो एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक क्या हो जाएगा? तो आठ में से, तो भाई टोटल हमारे पास क्या है? आठ पॉसिबिलिटी। आठ में से चार तो क्या हो जाएंगी? आउटराइट रिजेक्ट। चार तो क्या हो जाएंगी बेटा? इसको एक दो तीन चारों से मल्टीप्लाई करो, इसको एक दो तीन चारों से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन के रहने के कितने तरीके आ गए? आठ फंक्शन आ गए। आठ में से चार तो आप आउटराइट क्या कर सकते हो? रिजेक्ट, क्योंकि वो सिमेट्रिक फंक्शन होंगे। हमें क्या चाहिए? तो आठ में से चार तो क्या है? सिमेट्रिक। और चार क्या आएंगे? एंटीसिमेट्रिक। आठ में से चार क्या आएंगे? नहीं आपको समझ? ठीक है ओके। अब बेटा मुझे आप बताओ, पहले आप बताओ ये कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास? मेरे पास साई फोर क्या था? साई प्लस को किससे मल्टीप्लाई करूं? साई है ना। तो साई फोर क्या था इन आठ फंक्शन में से? साई फोर कौन सा था मेरे पास? साई फोर बताओ, फाइव वन वन फाइव टू टू प्लस फाइव वन टू फाइव टू वन, ये था ना? नहीं था। इसको आपने बेटा किससे मल्टीप्लाई किया बताओ? बताओ ये प्लस का तो वो क्या था? माइनस का था ना। अरे साई एस फोर क्या था? नेगेटिव साइन का। अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, ये मेरे पास क्या रखा बताओ? साई फोर बेटा मेरे पास ये होगा ना, कि कुछ और है? पक्का? ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे पास टोटल फंक्शन बेटा बताओ कितने हो गए हमारे पास? ध्यान से देखो, हो गए ना आठ बताओ। अरे साई टू साई थ्री साई फोर, हमारे पास आ गए आठ फंक्शन। ठीक है, पहले ये बताओ ये अलाउड है? नहीं। क्यों? सिमेट्रिक। देखो यहां से आता क्या है ये? सिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक। बेटा ये बताओ क्या है? ये भी क्या है? सिमेट्रिक इनटू सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा? ये हो गया ना रिजेक्ट। नहीं समझे बात? साई फोर हमने रख लिया, चलो हमने साई फोर रख लिया, और ये बेटा मैंने लिख दिया है कौन सा? ये वाला। अरे अब मैं ये मानूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा, अच्छा बताओ आप, मेरे पास साई फोर तो रहा, तो आठ में चार तो क्या हो गया? आउटराइट रिजेक्ट। चार बचे होंगे ना, चार बचे हैं ना, तो चार में से एक तो ये लिखा हुआ है, तीसरा कैसे लिखा होगा? मैंने तीसरा बताओ, तीसरा मैंने कैसे लिखा होगा? सॉरी नहीं, अरे जो बाकी तीन है वो कैसे लिखे होंगे? वहां पर ये क्या होता है? साई माइनस। बेटा यहां पर चौथे फंक्शन में क्या ये साई प्लस होगा? नहीं समझे बात? और ये क्या है? माइनस वाला स्पिन फंक्शन, ये तो होगा। अब बताओ बाकी जो तीन मेरे पास क्या होंगे एक्सेप्टेबल? उनमें साई माइनस यूज करना होता ना, फाइव वन वन फाइव टू टू माइनस फाइव वन टू फाइव टू वन। बेटा आठ में से, आठ में से भाई चार तो क्या है? आउटराइट क्या कर सकते हो? रिजेक्ट। चार बच गए होंगे ना, चार में से एक तो क्या होगा? ये वाला। और बाकी तीन कैसे आएंगे? ये प्लस का लिया तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस का लिया तो किसे मल्टीप्लाई करना है? एक बार अल्फा वन अल्फा टू से एक फंक्शन, फिर बीटा वन, फिर बताओ यहां पर प्लस के साथ। लेकिन आपको बेटा दिख रहा है, अगर मैं ये कहूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो, अगर मैं क्या कहूं भाई
दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, एक ही ऑर्बिटल में हो, तो फाइव वन भी क्या होगा, वन एस, और फाइव टू भी क्या होगा, वन एस हो जाएगा। तो वन एस इंटू वन एस माइनस वन एस इंटू वन एस क्या हो जाएगा, जीरो। बेटा आठ में से चार तो भाई क्या हो गए, आउटराइट रिजेक्ट हो गए, आठ में से चार तो क्या हो गए, आउटराइट रिजेक्ट हो गए, बचे चार। अब चार में से एक का ये तो क्या है, स्पेस पार्ट, और ये क्या उसका, स्पिन पार्ट। टोटल फंक्शन कैसे बनता है, स्पेस पार्ट इनटू स्पिन पार्ट। तो ये तो कि मेरे पास क्या है, स्पेस पार्ट, और मेरे पास क्या है, स्पिन पार्ट। चार में से एक का तो स्पेस पार्ट ये है और स्पिन पार्ट ये होगा, और जो तीन बच गए उनमें से स्पेस पार्ट जो होगा बेटा ये कैसा है बताओ, एंटीसिमेट्रिक। तो स्पिन पार्ट कैसा होगा उसका, बेटा इसका स्पेस पार्ट कैसा है, सिमेट्रिक। तो स्पिन पार्ट क्या है, इसका स्पेस पार्ट कैसा है, तो इसका स्पिन पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक। तो एक बारी तो कौन सा, अल्फा वन अल्फा टू, एक बारी बीटा वन बीटा टू, एक बारी अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन, अरे यही है लेकिन प्लस के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है, इन चार में जो चार बच गए इनमें से तीन में यहां पर नेगेटिव नहीं होगा, तो चार फंक्शन बचेंगे भाई, उनमें से तीन के स्पेस पार्ट में यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, और एक के स्पेस पार्ट में यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव। भाई आठ में चार तो रिजेक्ट हो गए आउटराइट, बचे फंक्शन चार। अब चार में से जो तीन फंक्शन है उनका स्पेस पार्ट में यहां पर क्या होगा, नेगेटिव, और एक के स्पेस पार्ट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं वन एस, अगर मैं ये मान लूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, तो यहां भी क्या आएगा, वन एस यहां भी क्या आएगा, तो वन एस माइनस वन, वन एस इंटू वन एस माइनस वन एस इंटू वन एस, तो बेटा ये स्पेस पार्ट क्या हो जाएगा, तो जीरो इंटू स्पिन पार्ट कुछ भी हो, खत्म हो जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन बचा, तो कौन सा, हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन बचा, बताओ कौन सा, साई फोर। हमारे पास सिर्फ कौन सा फंक्शन बचा, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के रहने के तरीकों को बताने वाला फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला, बात आपको पहले पड़ेगी। तो कैसा फंक्शन है ये बेटा, फंक्शन क्या है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स के रहने के तरीकों को बताने वाला फंक्शन, और कैसा है ये, एंटीसिमेट्रिक। और इसमें आपको साफ दिख रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर यहां बेटा क्या होता, अल्फा वन अल्फा टू होता ना बचता, अगर एक्सेप्टेबल फंक्शन में यहां पर क्या बचता, अल्फा वन अल्फा टू, तो पता है पावली प्रिंसिपल क्या होता, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी पैरेलल टू इच अदर। लेकिन यहां पर बेटा क्या है बताओ, दोनों की स्पिन क्या है, तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ हीलियम एटम का क्या, हीलियम एटम का स्पेस पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक, स्पिन पार्ट क्या होगा, एंटीसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक। एन, और यहां से ये बात प्रूव होगी, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विच मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। बेटा स्पिन तो ये पॉसिबिलिटी आई कब थी, जब एक क्या हो अप स्पिन, एक क्या हो डाउन स्पिन। अब प्रूव हो गई ये, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन मैंने क्या रखना है, एंटीसिमेट्रिक। भाई मैंने दो मैंने क्या बनाया, स्पेस पार्ट, चार मैंने क्या बनाया, स्पिन फंक्शन, मल्टीप्लाई होके टोटल फंक्शन कितने बनेंगे हमारे पास, आठ। चार में से, आठ में से चार तो आउटराइट रिजेक्ट करो, क्योंकि वो तो है ही क्या, सिमेट्रिक, शाबाश। चार चार बच गए एंटीसिमेट्रिक, लेकिन चार में से तीन का स्पेस पार्ट क्या रखता है, नेगेटिव साइन होता है। तो सेम ऑर्बिटल करने पर जब फाइव वन भी वन एस, फाइव टू वन एस, तो वन एस इंटू वन एस माइनस वन इंटू वन एस क्या जीरो हो जाएगा ना, आगे भाई आपको। तो सिर्फ एक फंक्शन हो, तुम क्या बोलेंगे, तो एक तरह से मैंने, हमने क्या ड्राइव कर लिया है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए सबसे सिंपल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा होगा हमारे पास, हीलियम एटम, कौन सा होगा। तो ये हीलियम के लिए अपने क्या लिख दिया, एक तरह से फंक्शन लिख दिया, बात आपको पहले पड़ गई कि ये क्या, हीलियम का स्पेस फंक्शन, ये क्या, हीलियम का स्पिन फंक्शन, कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई। अब बेटा बताओ, अब प्रूव हो गया ये कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अगर यहां पर क्या बचता, बीटा वन बीटा टू, तो आप क्या बोलते, एन ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी पैरेलल टू इच अदर एंड डाउन स्पिन, नहीं आपको, ठीक है भाई, शाबाश। अब फटाफट ये बताओ भाई, बताओ ये बताओ, द स्पेस पार्ट ऑफ ए वेव फंक्शन
डिफाइनिंग स्पिन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम। में बताओ हीलियम एटम के अंदर बताओ भाई स्पेस पार्ट क्या होगा, बताओ क्या बेटा, सिमेट्रिक आ गया। ऐसे क्वेश्चन भाई जैम में एमएससी एंट्रेंस में पूछ लेते हैं, ठीक है। और बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, ये बताओ इनमें से कौन सा सिस्टम पाउली प्रिंसिपल को वायोलेट करता है। अब आपने बेटा बताना है कि कौन सा सिस्टम इसमें से पाउली प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपने इलेक्ट्रॉन भरने ना, ठीक है। बताओ पाउली प्रिंसिपल कौन सा वायोलेट करता है। ये कहता है 1s2 triplet तो कब बनेगा बेटा, 1s2 triplet कब बनेगा, जो दोनों क्या होंगे पैरेलल। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है पता पता आपको, पहले निकालो स्पिन फिर निकालो मल्टीप्लिसिटी 2s+1। अगर ये 2s+1 क्या है 3 तो ट्रिपलेट है, अगर ये एक आए तो क्या है सिंगलेट है, ये दो आए तो क्या आंसर डबलेट है। तो आप ये बताओ, तो कहता है कि 1s2 triplet, तो 1s2 का मतलब क्या बेटा, 1s2 भर दिए। अब ट्रिपलेट करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिपलेट के लिए यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, तो 2 1 2 1 3, तो 1 spin क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना, तो 1 spin के दोनों क्या होने पड़ेंगे पैरेलल। तो क्या ये पाउली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, नहीं। तुम क्या बोलेंगे, कौन करता पाउली प्रिंसिपल को वायोलेट बताओ, पहला ही वायोलेट करता है। अच्छा तो 1s2 2s1 डबलेट क्या वायोलेट करता है, 1s2 2s1। तो बेटा 1s2 मैं कहूं दो भर दिए 1s में, एक भर दिया 2s में, एक अनपेयर्ड है ना, एक अनपेयर्ड है तो स्पिन क्या होगी, हाँ यहां बेटा हाफ पुट करियो, 1+1 कितना आ गया 2, क्या आ गया डबलेट। क्या कह रहा है ये कि 1s2s1 हो डबलेट के साथ, भाई बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बेटा मालूम कर सकते हो। अच्छा तो 1s2 सिंगलेट ये भी वायोलेट नहीं करता, 1s2 मैं कहूँ ये वाला है, दोनों एंटी पैरेलल है, सॉरी ये वाला एंटी पैरेलल है, तो स्पिन क्या बनी, 0 0 पुट करियो सिंगलेट, वेरी गुड, ये भी ठीक है, आ गया आपको। अच्छा ये कहता है 1s1 2s1 ट्रिपलेट, क्या बेटा ये पाउली प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, 1s1 2s1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, क्यों, 1s1 2s1 ये बिल्कुल अलग अलग क्या ऑर्बिटल में ये पैरेलल हो सकते हैं, तो हाफ और हाफ 1 1 पुट करियो ट्रिपलेट। तुम क्या बोलेंगे, 1s1 2s1 कॉन्फ़िगरेशन बेशक ट्रिपलेट पॉसिबल है, आ गया आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।